धर्म और धर्म गुरुओं की खुली पोल। इस वीडियो में मैं आज धर्म की विशेष व्याख्या करने वाला हूं, जो आज तक पूरे संसार में आपने कभी नहीं सुना होगा और ना शायद देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में धर्म के नाम पर जितनी हत्याएं, शोषण, सामाजिक भिन्नता फैलाने का काम किया गया है, शायद ही किसी युद्ध से भी इतनी हानि नहीं हुई होगी मानवों की। मैं धर्म के उन महापंडितों से और उन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपका धर्म श्रेष्ठ है तो बताइए। जल का धर्म क्या है? हवा का बताइए, वायु का धर्म बताइए, पेड़ पौधे का धर्म बताइए, गाय, भैंस, बकरी, तोता, मैना एवं छोटे छोटे जीव जंतुओं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, कौन से धर्म का पालन करते हैं? क्या ये वैदिक धर्म को मानते हैं, जो कथित तौर पर हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, या ये इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं? या तो फिर बताइए ना कि ये क्या ईसाई धर्म को नियम का पालन करते हैं, क्या ये बौद्ध धर्म के पालन का करते हैं, या तो फिर जैन धर्म के नियमों का पालन करते हैं? और यह भी बताइए, यह किस धर्म के अनुसार आचरण करते हैं जिसके कारण इन सबों ने अपनी अपनी पहचान कायम रखी है? और यदि धर्म केवल आदमी के लिए बना है तो फिर बताइए कि आदमी तो चोर भी होता है, डकैत भी होता है, आतंकी भी होता है, वह किस धर्म का पालन करता है? क्या चोर, डकैत और आतंकी इस्लाम होते हैं, केवल इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, या वैदिक धर्म का पालन करते हैं, या बौद्धिस्ट धर्म का पालन करते हैं? स्पष्ट रूप से बताइए ना कि वह किस धर्म का पालन करते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी सोचना चाहिए कि व्यक्ति में एक सज्जन व्यक्ति भी होता है, तो बताइए ना कि सज्जन व्यक्ति किस धर्म का पालन करते हैं और किस धर्म का पालन करके वह अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, जिसके वजह से वो अपनी समाज में प्रतिष्ठा स्थापित कर पाते हैं। संसार के समस्त व्यक्तियों को अगर बांटना स्टार्ट करें तो केवल दो भाग में बांट सकते हैं, दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति, और ये हर जगह होते हैं। वैदिक धर्म के पालन करने वाले में भी होते हैं, इस्लाम धर्म के भी पालन करने वाले में होते हैं, और बौद्ध धर्म के पालन करने वाले में भी होते हैं, जैन धर्म के पालन करने वाले में भी होते हैं, और ईसाई धर्म के भी पालन करने वाले में इनकी संख्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह व्यक्ति का यश कीर्ति में काफी वृद्धि होती है और उसे लोग यशस्वी रूप में जानते हैं, पहचानते हैं और अपनी कीर्ति स्थापित कर पाते हैं। मेरे शोध में आया है कि जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का धर्म है जलाना, सूर्य का धर्म है रोशनी देना एवं प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करना, धरती का धर्म है जीवन प्रदान करना, शिक्षा का धर्म है शिक्षा देना, छात्र का धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, डॉक्टर का धर्म है रोगी की जान बचाना, रोग मुक्त करना, किसान का धर्म है अन्न उपजाना, व्यापारी का धर्म है मांग के आधार पर वस्तुओं की उपलब्धता करवाना, शासक का धर्म है अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं की रक्षा करना, उन्हें समृद्धि प्रदान करना। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया है वह व्यक्ति अपने जीवन में महानता को प्राप्त किया है और उन्हें एक विशेष पहचान मिली है। धर्म को वास्तविक रूप से समझने की इस उधेड़ बुन में आप सारी अवधारणाओं को ताक पर रख दीजिए। किसी भी अवधारणाओं को मत रखिए अपने पास और हमारे साथ विचार कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिन को बेहतर तरीके से समझने के लिए रातों को जानना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म को समझने के लिए अधर्म को भी समझना उतना ही जरूरी होता है। धर्म का मतलब उस खास प्रकार के मार्ग से या रास्ते से है जिस पर चलकर संसार का प्रत्येक प्राणी अपना जीवन सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जी सके और
दूसरे की सुख की कामना कर सके एवं अपना जीवन दूसरे को समर्पित कर दूसरे के सुख में भागी बन सके, यही यह जो है धर्म का मार्ग कहलाता है। जबकि अधर्म इसका ठीक विपरीत होता है, जिस मार्ग पर चलकर प्राणी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचता हो और स्वयं को सुख की कामना करता हो, तो यह मार्ग अधर्म का मार्ग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं एक विद्यार्थी को जो अपने धर्म का बेहतर तरीके से पालन करता है और पालन करते हुए वह बिहार में या पूरे देश में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसकी कीर्ति कैसे पूरे देश भर में फैलती है, पूरे राज्य भर में फैलती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई डॉक्टर हैं और डॉक्टर धर्म का पालन करते हुए वह रोगियों को सही तरीके से इलाज करते हैं तो देख लीजिए उनकी कीर्ति कितनी दूर दूर तक फैलती है। ठीक उसी प्रकार आप यह भी देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म का सही ढंग से पालन किया है उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है, चारों तरफ लोग उसकी वंदना करते हैं, चारों तरफ लोग उसकी उसके सानिध्य में जाना पसंद करते हैं और उनसे प्रेम करना पसंद करते हैं और उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं धर्म एक श्रेष्ठ है और धर्म का पालन करना हर व्यक्ति हर प्राणी को जरूरी होता है। इतना ही नहीं, धर्म का पालन संसार का समस्त प्राणी करते हैं, क्योंकि यदि सूरज अपना धर्म भूल जाए तो खुशहाली समाप्त हो जाएगी, धरती जिस दिन अपना धर्म भूल जाए तो उस दिन जीवन संभव नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जल अपना धर्म भूल जाए तो सृष्टि को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अब आप बताएं धर्म के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। और यदि हमारे शोध आपको अच्छे लगे तो इसे संसार के समस्त प्राणियों तक पहुंचाएं, ताकि धर्म के नाम पर हो रही वैमनस्यता को समाप्त किया जा सके, दूर किया जा सके, मिटाया जा सके। धन्यवाद।